अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग गाइस, क्या हाल है आप सबके। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। एंड आज का जो व्लॉग है दैट्स रियली स्पेशल बिकॉज टुडे वी आर गोइंग टू हैव अ बेबी इंशाल्लाह। एंड हम लोग अभी जा रहे हैं हॉस्पिटल के लिए, निकल रहे हैं, रेडी हो चुके हैं, वी आर लीविंग। आई हैव अ सीजेरियन प्लान्ड फॉर टुडे और इस वक्त सुबह के बज रहे हैं 6:30। हमें 7 बजे हॉस्पिटल बुलाया है एंड वी आर गोइंग टू लीव। कामरान अंदर से सामान लेकर आ रहे हैं। सो या बेस्ट ऑफ लक टू मी। चलो चलो, सो वी आर लीविंग नाउ। क्वाइट नर्वस एंड एक्साइटेड बोथ एट द सेम टाइम। सो वी हैड दिस ऑब्वियसली प्लान्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम। हमें पहले से ही पता था डेट का, डॉक्टर ने बताया हुआ था। एंड फाइनली व्हेन द डे इज़ हेयर तो डेफिनेटली एंशियस और नर्वसनेस और अजीब सी फीलिंग्स तो होती हैं, वो नेचुरल है। बोर्ड के पेपर देने जा रहा हूँ, मैट्रिक के इंटरवल है। ठंड बढ़ गई है और आज 3rd of March है एंड आज ही जो है ना ऑस्ट्रेलिया के बॉर्डर भी खुले हैं। सो इट्स वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के बॉर्डर्स खुले हैं आफ्टर कोविड। सो सी यू गाइज लेटर ऑन। आई ट्राई टू फिल्म वॉट एवर आई कैन और जो भी फिल्म करूँगी आई अपलोड इंशाल्लाह। सो वी आर अबाउट टू रीच द हॉस्पिटल। एक्चुअली वी हैव रीच्ड और अभी हमारा होगा रैपिड टेस्ट कोविड के लिए। ये इन्होंने लगाए हुए तंबू कराते हैं ऐसे यार, ये चल रहा है इधर। जी मैं जो ना अभी इस वक्त यहाँ पर खड़ी हुई हूँ साइड पर, कामरान का वेट कर रही हूँ, वो आ जाएँ तो हम लोग अंदर जाएंगे। वो गए हैं कार को पार्क करने और मैं यहाँ बस स्टैंड वाली जगह पे खड़ी हो गई हूँ बिकॉज़ आई डोंट वांट टू गो अलग से। दे हैव अ लॉट ऑफ रिस्ट्रिक्शंस कोविड की वजह से। वैसे तो विजिटर्स ये लोग अलाउ ही नहीं कर रहे हैं अनटिल और अनलेस आपका कोई हस्बैंड हो या पेरेंट्स हो, और वो भी सिर्फ विजिटिंग आवर्स के टाइम। तो अभी बिकॉज आई हैव अ सर्जरी तो कामरान विल बी विद मी द इंटायर टाइम, मतलब ड्यूरिंग द सर्जरी वो मेरे साथ होंगे और उसके बाद भी ही विल बी विद मी कुछ टाइम तक। देन ही विल गो बैक और फिर जब विजिटिंग आवर्स स्टार्ट होंगे तो फिर वो वापस आएंगे। वी आर वेटिंग फॉर आवर एंटीजन टेस्ट। यहाँ बैठिए भाई, कंप्लीट हो चुका है हमारी स्क्रीनिंग। मेरी भी हो गई है, देखो तम का इम्तियाज मिल गया मुझे ग्रीन कलर का। चलो अब हम चलें। यस ऑल राइट। सो गाइस जितना भी पेपर वर्क था वो हो चुका है एंड राइट नाउ मी एंड कामरान वी बोथ आर वेटिंग इन द वेटिंग एरिया और अभी तकरीबन आधे घंटे के बाद दे विल टेक अस टू द ओटी सर्जरी रूम इंशाल्लाह। और सभी बैठे हुए इंतज़ार कर रहे हैं और दुआएं पढ़ रहे हैं। तो जनाब अभी यहाँ पर जो है ना मैं ऐसे टांग पे टांग रख के बैठ गई हूँ और कामरान जो है वो गाड़ी को दूसरी जगह पर पार्क करने गए। मैं बोला जब तक मैं करके आ जाता हूँ एंड या ऑलराइट। सो इसके बाद ऐसा हुआ कि दे टुक मी टू द रूम और पहले उन्होंने मुझे दिया एपिड्यूरल और एपिड्यूरल के बाद ऑब्वियसली आई कुडंट फील द लोअर पार्ट ऑफ माय बॉडी। और फिर उसके प्रोसेस में तकरीबन पूरे सर्जरी में लगा 15 मिनट्स। ये पूरी सर्जरी में कामरान वाज विद मी, कामरान बिल्कुल मेरे साथ थे एंड शुरू में तो मुझे कुछ ज़्यादा फील नहीं हुआ, लेकिन ये कि एपिड्यूरल के साइड इफ़ेक्ट्स थे और साइड इफ़ेक्ट्स क्या मतलब उसका आफ्टर इफ़ेक्ट्स थे मेरे ऊपर, और जिसकी वजह से आई स्टार्टेड हैविंग अ लिटिल बिट ऑफ ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स, जिसकी वजह से उन्होंने मुझे थोड़ा सा ऑक्सीजन भी दिया ड्यूरिंग द सर्जरी। और 10 मिनट का था एंड अल्हम्दुलिल्लाह वी वर एबल टू सी अवर ब्यूटिफुल बॉय। सो एपिड्यूरल की वजह से ऐसा था कि मुझे कुछ आफ्टर इफ़ेक्ट्स थे, आई वाज फीलिंग नॉजियस, आई वाज फीलिंग डिजी। और वंस द बेबी वाज बॉर्न उसके बाद उन्होंने मुझे वो ले गए और रिकवरी रूम में दे केप्ट मी फॉर अराउंड लाइक हाफ आवर और 1 आवर।
जब तक बेबी को उन लोग वो लोग नर्सरी में ले गए थे, उसकी मतलब बेबी की जो ब्रीदिंग वगैरह उन्होंने वो चेक की। कामरान वॉज विद द बेबी, आई वॉज इन द रिकवरी रूम, और फिर रिकवरी रूम मैं किधर हूँ और जोरेन किधर है, कामरान किधर है, आई हैड नो आइडिया। क्योंकि मैं जब अपने रूम में शिफ्ट किया उन्होंने मुझे, उस टाइम मेरी तबीयत इतनी अजीब हो रही थी बिकॉज ऑफ द एपिड्यूरल, मुझे बहुत ज़्यादा नौजिया हो रहा था एंड आई स्टार्टेड वॉमिटिंग। फिर जिसकी वजह से उन्होंने मुझे कुछ मेडिसिन ऐसी दी दैट मेड मी गो टू स्लीप, और मैं तकरीबन पूरी रात, और रात के 3 बजे तक मैं सोती रही हूँ। कामरान वॉज नॉट इन द हॉस्पिटल क्योंकि बिकॉज ऑफ कोविड अलाउड नहीं था कि आपका पार्टनर या आपके साथ कोई भी हॉस्पिटल में रुके, बट द नर्सेज वर देयर, दे टुक केयर ऑफ मी वेरी वेल। मुझे नहीं पता बेबी था का बेबी को कौन देख रहा है, बट द नर्सेज वर लुकिंग आफ्टर हिम, उसको फीड देना एंड यू नो नैपी चेंजेस एंड एवरी थिंग दे वर लुकिंग आफ्टर हिम। सेकेंड डे भी मुझे जब थोड़ी सी होश आई तो आई फिल्म्ड, एंड जो भी मैंने फिल्म किया है वो मैं आपको यहाँ पर दिखाती हूँ। ऑल राइट, सो गाइज, दिस इज़ डे टू इन द हॉस्पिटल, और अभी मैं शावर लिया है, फ्रेश हुई हूँ। डेफिनेटली बिकॉज ऑफ कोविड विजिटिंग आवर्स के अलावा कामरान जो है नहीं आ सकते। कामरान सारा सामान रख गए हैं इधर खाने पीने का, एंड या दिस इज़ माई रूम ओवर हियर, दिस इज़ द टीवी, और ये बेबी के सारी चेंजिंग की जगह दी हुई है। द वॉशरूम इज़ ओवर देयर, द बेबी इज़ ओवर हेयर। ऑलराइट, सो माय लंच इज़ हेयर, एंड कामरान जा चुकी है। कामरान भी मेरे लिए घर से सैंडविचेस और वो फ्रूट्स लेकर आए थे, एंड यहाँ पर भी मुझे इन्होंने सैलेड एंड फ्रूट्स और कोई सालन या आई गेस सूप वगैरह दिया है। एंड विद दैट आई एम गोना हैव दिस एलोवेरा जूस, आई रियली लाइक इट। ये मैंने कामरान से कह के मंगवाया था, तो बस अब मैं खाना खाने लगी हूँ। ऑल राइट, सो इट्स day 3 इन द हॉस्पिटल, और बस आज हमें छुट्टी मिल जाएगी, आई बी डिस्चार्ज, एंड मेरा लंच आ चुका है, लंच करने लगी हूँ। ऑल राइट, सो लेट्स सी व्हाट्स इन लंच। हाँ, दैट्स नाइस। सो वी हैव सम वेजिटेबल्स, बॉइल्ड चिकन एंड राइस, और साथ में वी हैव बनाना एंड ब्रेड। चलें जी भाई, खाते हैं। खुशबू मज़े की आ रही है और भूख भी बहुत ज़्यादा लगी है। ऑलराइट, सो गाइस, दिस इज़ द लास्ट डे जो कर रहे हैं डिस्चार्ज। आज है 5th of March। आई वॉन्ट टू लुक गुड आफ्टर ऑल दोज डेज जिसमें अजीब सी हालत रही है। जनाब, रेडी मैं हो गई हूँ, एंड ये सामान जो है ये बाद में जमा हुआ है। दिस इज़ ऑल ऑफ द स्नैक्स जो कि कामरान मेरे लिए लेकर आए थे, काफ़ी सारे बच गए, ज़रूरत से ज़्यादा ही ले आए। उन्हें लगा मैं कि पता नहीं कितना खाऊंगी, मुझे भी ऐसा लग रहा था कि मैं बहुत ज़्यादा खाऊंगी आफ्टर द डिलीवरी, बट मेडिसिन का असर कुछ ऐसा था कि मैं बहुत कम खाया मैंने। ऑलराइट, सो दीज आर ऑल द मेडिसिन विच देव गिवन मी साथ लेकर जाने के लिए, एंड इसके अंदर भी देयर इज़ अ ब्रेस्ट पम्प, और इसके अलावा और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं, स्टॉकिंग्स हैं, सारी मेडिकल से रिलेटेड चीज़ें, एंड देन बेबीज़ बैग एंड माय बैग, ये भी पैक हो चुके हैं। और कमरे की So we are going home and Kamran is waiting for us outside. Zoran is in my lap. और बस मैं बाहर निकलने वाली हूँ। Alright, so guys, we are going home. अच्छा भाई, हॉस्पिटल से निकले हैं और निकलते ही पहला काम कर रहे हैं कि ऑल नाइट का पिज़्ज़ा खाना है। हालांकि मेरी आवाज़ जो है ना, वैसी अजीब सी होती जा रही है,
बिकॉज आई एम फीलिंग अ लिटिल बिट डिजी ड्राउजी. लेकिन ये जो चीज़ है ना यार, बस ये ख़त्म कर देती है सारी बातें. पिज़्ज़ा ले लिया है और अब बस हम घर जा रहे हैं. डेफिनेटली आई एम गोइंग टू हैव अ लॉट ऑफ रेस्ट बिकॉज अभी तबीयत बहुत ज़्यादा अजीब है. आई हैव लॉट्स ऑफ पेन, आई एम ऑन पेन किलर्स. तो डेफिनेटली टाइम इज़ गोइंग टू बी अ लिटिल बिट टफ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह फॉर ऑल द ब्लेसिंग्स. एंड yeah, दैट्स ऑल अबाउट इट गाइज. जब मुझे डिस्चार्ज होना था, कामरान ऑब्वियसली ही वॉज नॉट अलाउड टू कम, एंड दे सेड कि बस ज़रूरत नहीं है उनके आने की. और मैं खुद ही डिस्चार्ज होकर आ गई. आई स्टेड टू डेज एंड थ्री नाइट्स एंड टू डेज. और डिस्चार्ज होने से पहले जितनी भी बेबी की वैक्सीनेशंस थी वो सारी हो गई. मेरे रूम में आके उन्होंने सारा कुछ किया. देन ज़ोरैन का लिसनिंग एंड हियरिंग टेस्ट उन्होंने किया. फ्रॉम द ब्रेस्ट फीडिंग स्पेशलिस्ट शी केम एंड शी गाइडेड मी, एंड देन शी गेव मी द ब्रेस्ट फीडिंग पम्प. फिर उसके बाद फिजियोथेरेपिस्ट आई, उसने मेरा चेकअप किया. एंड देन फिर मेरी मेडिसिंस जितनी भी थी वो सारी मेरे हैंड ओवर की गई. जो फर्दर अपने टेस्ट करवाने हैं आगे के, मतलब मुझे सब कुछ उन्होंने आगे आके ब्रीफिंग दे दी नर्स ने, मिडवाइफ ने. एंड एवरीथिंग वाज रियली स्मूथ, रियली इजी. मुझे कोई हैसल नहीं करना पड़ा. इवन ज़ोरैन का जो बर्थ सर्टिफिकेट है, जो भी सारे डॉक्यूमेंटेशन है, वो भी मुझे उसी फ्लोर पर मिल गई और मिल गए थे. मतलब आई डिड नॉट हैव टू गो एनीवेयर. आई वाज प्रोवाइडेड विद एवरीथिंग राइट इन माय बेड इन माय रूम. आज का व्लॉग, एंड आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा. मेरी जो प्रॉपर सी सेक्शन की जो फुल स्टोरी है, एंड वॉट एवर माई एक्सपीरियंस वॉज एंड हाउ द एक्सपीरियंस गिविंग बर्थ इन ऑस्ट्रेलिया, मेक अ डिटेल्ड वीडियो अबाउट दिस इंशाल्लाह. हैविंग अ सी सेक्शन एंड वॉट एवर यू हैव टू एक्सपेक्ट बिफोर एंड आफ्टर अ सी सेक्शन, इसके बारे में आई विल बी मेकिंग वीडियोज. तो आप लोग ज़रूर मेरे चैनल को विजिट कर कीजिएगा और देखिएगा. कीप एन आई ऑन इट, और आप बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दीजिए जो है वो मिस ना कर सकें. और अगर मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई है तो ज़रूर इसे लाइक भी कीजिएगा. एंड इफ़ यू हैवंट सब्सक्राइब माय चैनल तो डू सब्सक्राइब. अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें. इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी मेरी नेक्स्ट वीडियो में. अल्लाह हाफिज़.